अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब जफर है और ये हमारी जावास्क्रिप्ट की एक्सरसाइज वाली प्लेलिस्ट चल रही है। और आज का जो हमारा लेक्चर, ये थर्ड लेक्चर है, और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट का एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो हमारे पास डेट कैलकुलेट करके ला के कितने दिन रह गए हैं इस फंक्शन के, इस इवेंट के आगे। जिस तरह हमारे पास नेक्स्ट दिसंबर है, तो दिसंबर में हमारा क्रिसमस डे, जिस तरह के क्रिश्चियंस का, रिलीजियस का, इस तरह के त्यौहार, जिस तरह मुसलमान हैं तो ईद उल अदहा, ईद उल फितर, तो डेफिनेटली ये हमारे पास इवेंट्स होते हैं, ईद मिलाद नबी, तो इस तरह का कोई भी डे, इकबाल डे हो गया, इसी तरह बहुत सारे और भी डेज हैं। आइए हम जेएस बिन का कंपाइलर ओपन किया हुआ है तो इस पर हम कोड करते हैं, तो मैं इधर एक वेरिएबल ले लेता हूँ फॉर टूडे, और इसमें मैं पास कर देता हूँ जावास्क्रिप्ट का फंक्शन डेट। ये मैंने डेट पास कर दी। अब इसी तरह मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ क्रिसमस के नाम से, फॉर क्रिसमस, क्रिसमस इक्वल है। अब यू डेट लेते हैं और डेट के अंदर से हम गेट करते हैं फुल ईयर, टुडे डॉट गेट फुल, कैमल केस, फुल ईयर फंक्शन। अब फुल ईयर में हम आगे जो डेट पास करनी है 11, यानी कि हमारे पास अगर 0 से स्टार्ट हो रहा तो 11 हमारा नंबर वाला डेट होगी 25। अब हमने इधर बनानी है इफ कंडीशन। इफ में देखना ये है कि टू डे डॉट गेट मंथ, ठीक है, आज के डेट का ये जो महीना है वो मंथ अगर इक्वल है 11 के, तो एंड ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। एंड ऑपरेटर इस्तेमाल किया और एंड में हम पास कर देते हैं टुडे डॉट गेट फुल ईयर। फुल ईयर हमने ऊपर कर लिया, टुडे डेट, आज की डेट क्या है, टुडे डेट, तो डेट में प्लस 1 कर लेते हैं 1। अब जो मैं फंक्शन बनाने के इसके अंदर कंडीशन लिखना है, तो वो मैं क्रिसमस का वेरिएबल ले लेता हूँ, सी एच आर एस टी एम एस, क्रिसमस। अब क्रिसमस का जो डे है ये हमने फाइंड करना, इसमें रिमेनिंग कितने दिन रह गए हैं, तो सॉरी मैं इसको ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने इधर इक्वल कर दिया हुआ, मैंने जबकि प्लस करना था इधर, तो क्रिसमस डॉट सेट फुल ईयर। फुल ईयर में हमने फाइंड कर लिया क्रिसमस डॉट दैट फुल ईयर। फुल ईयर, अब फुल ईयर में हमने इधर करना है सॉरी प्लस 1, बस एक ईयर में प्लस 1 हो जाए, और ऊपर हमने लेनी है इधर कंडीशन जो हमारे पास आएगी वो डेट की आएगी। इधर डेट हमारे पास, यानी कि हम कैट डेट कर रहे हैं, तो डेट की कंडीशन हमारे पास 25 है। इसी तरह हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, ले लेते वार के नाम वेरिएबल डेटा टाइप से ले लेते हैं 1 डे, 1 डे इक्वल है हमारे पास। तो डे में से कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड होते हैं, तो वो फाइंड करने के लिए 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, 60 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 से, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हम 24 से, यानी कि 24 ये हमारे पास। और अब हम कंसोल करवाते हैं एट द एंड ऑफ कंसोल डॉट लॉग। अब कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम मैथ का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, मैथ डॉट आई एल सेल्स। अब इधर हम लिख देते हैं क्रिसमस डॉट गेट टाइम, क्रिसमस का टाइम और टाइम और टू डे,
डॉट गेट टाइम, आज का टाइम। अब ये मैंने फंक्शन बनाने के बाद इसको हम डिवाइड करते हैं वन डे से, वन ये जो ऊपर हमने कैलकुलेशन की है वन डे, और अब हम वन डे अब इसको प्लस कर लेते हैं, फिर हम सिंपल डेज दे देते हैं। मैं इसको रन करता हूँ, ओ ये ब्रैकेट का मसला है, जो हमने ब्रैकेट इधर ख़त्म करनी थी और ये वाली हमने इधर से ख़त्म कर, इसमें हमने प्लस इधर हम को ख़त्म करके डेज दे दी, डेज इसमें हम क्लियर करते हैं तो हमारे पास कितने डेज होंगे। बोल का स्पेलिंग मिस्टेक लग रही है मुझे, कंट्रोल तो इसको क्लियर करते हैं। अब होप्स हो के हमारे पास रिजल्ट मैथ डॉट सेल सेल, अब ये एच का आ गया, वाई मिस्टेक काफ़ी हो गई है मेरे पास। तो ये देखिए कि 33.12 यानी कि तकरीबन ऑलमोस्ट हमारे पास 33 दिन है और कुछ घंटे ऊपर है, लाइक करके अगर देखा जाए तो हमारे पास अभी जो टाइम होगा तो उसके हिसाब से हमारे पास डेज रिमेनिंग रह गए। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, होप्स हो कि आपको समझ आया होगा। अगर अभी ये आपको समझ नहीं आया, इसमें मज़ीद मॉडिफिकेशन की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।